Hello friend, everybody is fine. I am Mr. Manoj Kole, West Bengal from Kolkata. देखिए दोस्तों, आज एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहा है, यहाँ पर देखिए CM502 का एक IC का डाटा सीट। ये IC का डाटा सीट आप कहीं पर नहीं मिलेगा, कोई आदमी के पास नहीं है, गूगल में वो आप नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, मैं ये खुद ही बनाया। ठीक है, हाँ मैं ये खुद ही बनाया, ये सर्किट मैं ड्राइंग किया। मैं इसको कैसे रीड करता है ये आप लोगों को साथ शेयर करता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पर पैनल VCC वीडियो पूरा तक देखते रहिए, लास्ट तक। लास्ट में मैं एक नया ट्रिक्स बताऊंगा AIC के बारे, एक ट्रिक्स है। ठीक है, ये 5 वोल्ट VCC है, या देखिए पैनल VCC जो मेन पीस पी से आता है LVDS कॉयल थ्रो। देखिए पैनल VCC कहाँ पर जाता है, 15 और 16 नंबर पिन से। देखिए 15 और 16 नंबर पिन से, यहाँ पर देखिए यह ए जो है ए एनेबल के लिए ये सब है IC को एनेबल करने के लिए। ठीक है, चलिए LVDS वोल्टेज कहाँ से बांधता है। देखिए ये जो कॉयल है, AIC में एक कॉयल रहेगा, याद रखिए। ये 502 जो IC है, ये 1 पीस कॉयल रहेगा वहाँ पर। देखिए यहाँ से 18 और 19 नंबर पिन से स्विचिंग होता है, यहाँ पर ये जाता है। ये यहाँ पर स्विचिंग क्या होने के बाद ये डायोड बूस्ट करेगा, बूस्ट करने के बाद LVDS वोल्टेज बनेगा। ये कॉयल कैसे तरीके से काम करता है, ये जो कॉयल है, ये कॉयल क्या होता है, जब भी ये स्विचिंग स्टार्ट करेगा IC को सप्लाई मिलेगा, इनेबल मिलेगा, स्विचिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पर जब नेगेटिव होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ऐसा काम करता है। ठीक है, चलिए आप देखते रहिए। देखिए ये जो पैनल VCC यहाँ से LVDS वोल्टेज बांधता है, ये LVDS वोल्टेज यहाँ पर देखिए, ये जो रजिस्टर है, डिवाइडर रजिस्टर सर्किट, यहाँ से जाता है यहाँ पर 23 नंबर पिन से। देखिए यहाँ पर फीडबैक जाता है, ये वोल्टेज सही बनता है कि नहीं बनता है, ये फीडबैक दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट VCC और क्या वोल्टेज बनता है, VGL वोल्टेज कैसे बनता है। देखिए यहाँ से एक PF है, ये वोल्टेज डेवलपर सर्किट है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 3 पिन का डायोड है, आपको मालूम होता है। यहाँ से आता है ये PNP ट्रांजिस्टर से, यहाँ से VGL वोल्टेज निकलता है, ये तरीका ऐसा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है ये VGH वोल्टेज बनता है। देखिए VGH वोल्टेज बनता है, कैसे बनता है, देखिए यहाँ से 2 PF, यहाँ पर इसको वोल्टेज डेवलपर सर्किट है। देखिए ए एक डायोड है 3 पिन का, ए एक डायोड है 3 पिन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो LVDS वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक ये डायोड में जाता है, डायोड में जाता है, डायोड में जाने के बाद ये डायोड में यह जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से जाता है, और एक थोड़ा सा बात गया, लेकिन यहाँ से एक PF रहेगा, यहाँ से एक PF ग्राउंड रहेगा, यहाँ से वो मिस्टेक हुआ। ठीक है, यहाँ से एक PF ग्राउंड होगा। चलिए यहाँ से वोल्टेज निकलता है। देखिए ये सर्किट है, देखिए ये VGHP सर्किट, वोल्टेज यहाँ से निकलता है। देखिए ऐसे तरफ ऐसे कलेक्टर में जाता है ये वोल्टेज, ऐसे बेस में सप्लाई देने का यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आउट होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ये डायोड का ग्राउंड है, यहाँ से ये VGHP वोल्टेज निकलेगा। लेकिन ये VGHP है, और VGH वोल्टेज का है, देखिए 31 नंबर पिन से, यह जो रेड मार्क देख रहा है, ये रेड मार्क को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर VGHP
29 से यहाँ पर VGH 31 से VGH आउटपुट होता है। ये जो VGH है ये VGH वो गेट डायोड में जाता है और यहाँ पर जो VGHP जनरेट हुआ ये VGHP आईसी के अंदर जाता है गेट सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। याद ध्यान से सुनिए, यहाँ से जो VGHP वोल्टेज जनरेट होता है ये वोल्टेज आईसी के अंदर फिर वापस आता है। देखिए VGHP इन 29 नंबर पिन से और यहाँ से VGH आउट होता है ये गेट कॉम में चला जाता है। ठीक है, आप सर्किट में जब टाइम स्टडी करेगा अब मालूम हो जाएगा। देखिए और एक यहाँ पर देखिए ये जो एवीडीडी वोल्टेज है एवीडीडी वोल्टेज और कहाँ पर जाता है देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 4 नंबर पिन है यहाँ पर एवीडीडी इन होता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर इन होता है। आपका पास ये 502 का सर्किट है तो आप ये रीड कर सकता है। आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमांड बॉक्स से कमांड करिए, मैं ये खुद ही बनाया, मैं देखा प्रैक्टिकली करके तब भी मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर जो पिन है यहाँ पर देखिए VCOM वोल्टेज निकलता जनरेट होता है। ठीक है, ये एक्चुअल जो मैं सर्किट ड्राइंग किया ये काम करने बेसिक जो है आईसी का एबीडीडी VGL VGH VGHP VCOM एबीडीडी ये जो वोल्टेज है ये कैसे पर जनरेट होता है कहाँ पर जाता है ये सब मैं बोला था। मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए ये जो पिन नंबर 8 देखिए याद रखिए पिन नंबर 8 ये कहाँ पर जाता है त्रिकोण प्रोसेसर में। ए आई सी जो स्केलर जो त्रिकोण में रहता है ये पिन नंबर 8 को एक प्रोसेसर है त्रिकोण प्रोसेसर का साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा ठीक है। अब मान लीजिए आपका त्रिकोण खराब है, त्रिकोण खराब होने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा ये 8 नंबर पिन से कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपको क्या पिक्चर में स्क्रीन में क्या देख पाएंगे ये जो देखिए यहाँ पर VGH जो आउट है ये VGH आउट स्टॉप हो जाएगा। मैं फिर एक बार बताता हूँ देखिए ये जो 8 नंबर पिन है ये त्रिकोण प्रोसेसर का जो नंबर का त्रिकोण प्रोसेसर है उसका साथ कोई ना कोई पिन में डायरेक्ट रहेगा। वो त्रिकोण प्रोसेसर यहाँ पर सिग्नल ऑन करेगा, ऑन करने के बाद ही आपको ये VGH वोल्टेज जनरेट होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये VGH वोल्टेज ऑफ हो जाएगा तो आपको पिक्चर मान लीजिए पिक्चर आपको बहुत डिस्टर्बेंस होता है, व्हाइट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। जो VGH वोल्टेज ऑफ हो जो होता है वही हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपको साथ लोगों को साथ शेयर करता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आज यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, ओके, गुड नाइट।